प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भजन लाल सरकार सख्त नजर आ रही है। पिछले दो दिन में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 6500 से ज्यादा बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले सस्ते सिलेंडर की राहत के बाद प्रदेश से बड़ी संख्या में महिलाओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर आभार जताया। नागपुर से लौट रही राहुल गांधी की फ्लाइट को दिल्ली में कोहरे के कारण लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। उनकी फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। दौसा के लालसोट रोड पर जमीनी विवाद में 24 से अधिक लोगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक वृद्ध की मौत हो गई जबकि कुछ लोग घायल हो गए। जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने कार चढ़ाकर युवती की हत्या के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया। राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पहली कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी बदमाश दिग्विजय सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया है। दिग्विजय कोटा का हिस्ट्री शीटर है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होगा। इसके लिए जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर से श्री राम संदेश पद यात्रा रवाना हुई है जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन अयोध्या पहुंचेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 797 नए मामले सामने आए जो इस साल 19 मई के बाद से एक दिन में सबसे अधिक मामले हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में अफ्रीका ने भारत को 32 रनों से करारी शिकस्त दी है। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हम जीत के हकदार नहीं थे। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भागों में आगामी 2 से 3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना। कोहरे के कारण कई जिलों में येलो अलर्ट जारी।